हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जीके 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक से संबंधित है और खास तौर पर इंडियन ज्योग्राफी से। और आज के इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख पन बिजली एवं सिंचाई परियोजनाओं की बात करने वाले हैं। क्या आज के इस वीडियो में हम दोस्तों भारत की प्रमुख पन बिजली एवं सिंचाई परियोजनाओं की बात करने वाले हैं। और आप चाहे क्लास 1, 2, 3, 4 कोई भी काडर की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी है, तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलने वाली है। और बीच में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और आपको गेस करना है कि सही आंसर क्या आ सकता है। ओके, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले तो बात करें तो एक तो परियोजना का नाम क्या है और यह परियोजना कौन सी नदी पर अवस्थित है और यह परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, यानी कि बेनिफिशियरी स्टेट्स के बारे में भी हम पता लगाएंगे। तो सबसे पहले बाणसागर परियोजना। यहां दोस्तों मैं आपके सामने यह टेबल के रूप में जो इंफॉर्मेशन रख रहा हूं, बीच में क्वेश्चन भी आएंगे, इसलिए आपका ध्यान यहां स्क्रीन पर होना चाहिए। बाणसागर परियोजना कौन सी नदी पर अवस्थित है? यह परियोजना सोन नदी पर। और यह परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, तीन राज्य, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। और परियोजना का नाम क्या है? बाणसागर परियोजना। और यह सोन नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल, सतलुज नदी पर है यह भाखड़ा नांगल बांध। और यह परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? नदी के नाम से ही पता चल जाएगा कि सतलुज नदी कौन कौन से स्टेट्स में बहती है, यानी कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, चार राज्य, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। यह भाखड़ा नांगल परियोजना से चार राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। आगे बात करें तो व्यास परियोजना, व्यास नदी पर। और यह परियोजना से तीन राज्य लाभान्वित होते हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो भीमा परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। और भीमा परियोजना का नाम नदी के नाम से ही रखा गया है, भीमा नदी। तो हमने चार नदियों के नाम याद रखे, परियोजनाओं के नाम याद रखे और कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं उनके बारे में एक बार फिर से पढ़ लो। सबसे पहले तो बाणसागर परियोजना, कौन सी नदी? सोन नदी। कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, क्लियर। भाखड़ा नांगल सतलुज रिवर पर है और आपने कहीं एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक में यह पढ़ा भी होगा, भाखड़ा नांगल बांध सतलुज रिवर पर और चार राज्य लाभान्वित होते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो व्यास परियोजना व्यास रिवर पर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान उनके महत्वपूर्ण लाभान्वित राज्य। भीमा परियोजना भीमा नदी पर और भीमा नदी किस राज्य में से बहती है? महाराष्ट्र राज्य में से। और यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। क्या? जो यह भीमा परियोजना है वह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है और यह पुणे की पावना और उज्जैन की कृष्णा नदी पर बनी परियोजना है और इस परियोजना से तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य लाभान्वित होते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं, आंसर दीजिए कि बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए, ओके, बिल्कुल राइट आंसर। और दोस्तों यह वीडियो में तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन में आपसे पूछने वाला हो और आपको ऐसे 1 से 12 क्रम किसी नोटबुक में लिख देने हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन आपके सही होते जाए आपको करेक्शन करना चाहिए। और यह 10 या 12 क्वेश्चन में से आपके आंसर कितने सही होते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताना। ओके, बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? ए रहा भाखड़ा बांध।
किस नदी पर स्थित है बताइए? सतलुज रिवर पर। कहां पर? भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर स्थित है। मैंने आपको बताया यार, कहां पर ध्यान था आपका? ये देखो, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलुज रिवर पर स्थित है। तो सही आंसर क्या आएगा? सतलुज। दूसरा क्वेश्चन हो गया। देखो, भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। लोकेशन भी याद रख लो कि भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज रिवर पर बनाया गया है और यह 856 फीट ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध भी है। क्या? हमारा भारत देश का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, और दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? यह सतलुज रिवर पर स्थित भाखड़ा नांगल बांध, जिसकी हाइट कितनी है, यहां इमेज में आप देख सकते हैं, 856 फीट। कितनी? 856 फीट। आंसर बताइए, भाखड़ा नांगल परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता? चार राज्य लाभान्वित होते हैं, लेकिन एक ऐसा राज्य जो यह परियोजना से लाभान्वित नहीं होता। ध्यान स्क्रीन पर था तो क्लियर आंसर है यार। उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आंसर बैठता है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, यह चार राज्य लाभान्वित होते हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश नहीं। सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। तीन क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए? दो। तो कौन सा गलत हुआ? ओके, आगे बात करें। चंबल परियोजना, दोस्तों यह परियोजना का नाम रिवर से ही रखा गया है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर स्थित है और कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? मध्य प्रदेश तथा राजस्थान, दो राज्य। चंबल, चंबल नदी पर मध्य प्रदेश और राजस्थान दो राज्य लाभान्वित होते हैं। तो दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर एवं इसकी सहायक नदियों पर बांधे गए सात बांध, जिसे कहा जाता है दामोदर घाटी परियोजना। क्या? दामोदर एवं इसकी सहायक नदियों पर बांधे गए सात बांधों से बनती है यह दामोदर घाटी परियोजना, और दो राज्य लाभान्वित होते हैं, झारखंड एवं वेस्ट बंगाल। दुलहस्ती परियोजना, दुल्हन स्ति, ऐसा भी दोस्तों एक मीनिंग मैंने सर्च किया था तो मैंने पढ़ा था, दुल्हन स्ति परियोजना या तो दुलहस्ती परियोजना, चिनाब नदी पर और किस राज्य में? जम्मू कश्मीर, वर्तमान में हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। क्या? संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, और यह चिनाब नदी जहां पर स्थित है यह दुलहस्ती परियोजना। तो आपने क्या याद रखा यह स्लाइड में? चंबल परियोजना चंबल नदी पर, दो राज्य लाभान्वित मध्य प्रदेश और राजस्थान, क्लियर। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर एवं इसकी सहायक नदियों पर बांधे गए सात बंध से बनती है, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल लाभान्वित राज्य है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर और जम्मू तथा कश्मीर यह केंद्र शासित प्रदेश, उनके लाभान्वित संघ शासित प्रदेश है। नदी परियोजना और राज्य की सही जोड़ सुमेलित कीजिए। अब तक मैंने जो पढ़ाया उनको बेस बनाते हुए यहां एक मैंने आपके सामने ऐसा क्वेश्चन क्रिएट किया है कि आपको सही जोड़ सुमेलित करनी है। किसको किसके साथ जोड़ू बताओ? भीमा परियोजना, भीमा नदी पर, लेकिन राज्य कौन सा? महाराष्ट्र, बिल्कुल राइट। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश, दामोदर घाटी परियोजना झारखंड राज्य, और दुलहस्ती परियोजना बेतवा रिवर और कौन सा राज्य? जम्मू कश्मीर। तो इसी तरह सही जोड़ सुमिलित करने से हमारा यह क्वेश्चन सही हो जाएगा। आपने क्या सही जोड़ सुमिलित की? ओके, वेल डन। एक और क्वेश्चन, दुलहस्ती परियोजना कहाँ है? दुलहस्ती परियोजना कहाँ है? क्लास थ्री का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां मैंने सही जोड़ सुमिलित की, उनमें से ही यह क्वेश्चन मैंने बनाया है। दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर, सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बात करें परियोजनाओं की, आगे बात करें तो गंडक परियोजना, यह परियोजना का नाम नदी के नाम से ही रखा गया है, गंडक नदी पर स्थित है यह गंडक परियोजना, और दो राज्य लाभान्वित होते हैं, बिहार तथा उत्तर प्रदेश। और यह घाट प्रभा परियोजना
काट प्रभा नदी पर अवस्थित है और लाभान्वित होता है कर्नाटक राज्य। हीराकुड परियोजना महानदी पर अवस्थित है और लाभान्वित राज्य है ओडिशा। तो जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर अवस्थित है और लाभान्वित राज्य है महाराष्ट्र। तो चार दोस्तों यहां परियोजनाओं के नाम स्क्रीन पर है, आपने ध्यान से देखा, ध्यान से पढ़ा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, बाद में दो से तीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं रखने वाला हूं। गंडक परियोजना गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश लाभान्वित राज्य। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा रिवर पर कर्नाटक राज्य में। हीराकुड परियोजना महानदी पर ओडिशा राज्य में और जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी रिवर पर महाराष्ट्र राज्य में। चलिए नदी परियोजना और राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बढ़िया सा क्वेश्चन, तीन सेंटेंस दिए हैं और नदी परियोजना और राज्य के संदर्भ में यहां जो कथन दिए हैं इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यह हमें पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए पढ़ो, काट प्रभा परियोजना का संबंध कर्नाटक राज्य से है, सही या गलत? बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया काट प्रभा परियोजना काट प्रभा रिवर पर कर्नाटक राज्य में, सही, ओके। दूसरा सेंटेंस, हीराकुड परियोजना का संबंध झारखंड राज्य से है, गलत, क्योंकि हीराकुड परियोजना का संबंध झारखंड राज्य से नहीं बल्कि ओडिशा राज्य से है और कौन सी नदी, महानदी। जायकवाड़ी परियोजना का संबंध ओडिशा राज्य से है, गलत, क्योंकि जायकवाड़ी परियोजना का संबंध है महाराष्ट्र राज्य से और जायकवाड़ी परियोजना अवस्थित है गोदावरी रिवर पर, यानी कि दूसरा नंबर का और तीसरा नंबर का सेंटेंस बिल्कुल गलत और हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, ओके। आपका आंसर सही या गलत, ओके। अगला क्वेश्चन, जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में किस नदी पर अवस्थित है? यार जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में किस नदी पर अवस्थित है? यह जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र राज्य में, नासिक कौन सी नदी पर बसा हुआ शहर है? गोदावरी, बिल्कुल राइट, ऑप्शन सी सही आंसर। आगे बात करें काकरा पार परियोजना, हमारे गुजरात में तापी रिवर पर, याद रखना हमारे गुजरात के सूरत जिले में से बहती है यह तापी रिवर और तापी नदी के नाम से हमारे एक जिले का नाम भी रखा गया है तापी, ओके। और यह नदी पर काकरा पार परियोजना अवस्थित है। कांसावती परियोजना, क्या कांसावती परियोजना? दोस्तों मैं भी यह पहली बार पढ़ रहा हूं, जो कि मैंने यह फाइल तैयार की उनसे पहले अच्छी तरह पढ़ा समझा और बाद में यह बात मैंने आपके सामने रखी है। कांसावती परियोजना कांसा बाटी तथा कुमार नदी जो पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में से बहती है उन पर यह परियोजना अवस्थित है और लाभान्वित राज्य है पश्चिम बंगाल। कोसी परियोजना, कोसी को सोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है, क्या सोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है कोसी परियोजना, क्यों? क्योंकि जब भी कोसी रिवर में बाढ़ आती है तब यह बिहार को भारी नुकसान पहुंचता है। तो याद रखना कोसी परियोजना कोसी रिवर पर अवस्थित है और लाभान्वित राज्य है बिहार, याद रख लिया, पढ़ लो। काकरा पार परियोजना तप्ती नदी गुजरात सूरत जिला। कांसावती परियोजना कांसा बाटी तथा कुमारी नदी पश्चिम बंगाल का बांकुरा जिला, लाभान्वित राज्य वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल। कोसी परियोजना कोसी नदी पर बिहार में। चलिए बताइए कांसावती परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कांसावती परियोजना निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में। कांसावती परियोजना कांसावती, क्या कांसावती रिवर नदी पर स्थित है और यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। हम दोस्तों यह वीडियो में भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं की ही बात कर रहे हैं, ओके। और यह परियोजना मुख्य रूप से सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति प्रदान करने के लिए बनाया गया है। कांसावती नदी पश्चिम बंगाल में है, याद रखना। कोसी परियोजना को देखने के लिए मुझे किस राज्य का दौरा करना पड़ेगा?
कोसी परियोजना को देखने के लिए मुझे किस राज्य का दौरा करना पड़ेगा? मुझे दौरा करना पड़ेगा बिहार राज्य का। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। चलिए आगे बात करें। मही परियोजना, मही परियोजना मही नदी पर अवस्थित गुजरात राज्य में। मालप्रभा, मालप्रभा नदी पर अवस्थित यह परियोजना लाभान्वित राज्य है कर्नाटक। नागार्जुन सागर मोस्ट आईएमपी, नागार्जुन सागर, नागार्जुन। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन का बहुत अच्छा, जिसका सारथी, अर्जुन का सारथी कौन था? रथ चलाने वाला भगवान श्री कृष्ण थे। तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। और कौन कौन से राज्य लाभान्वित थे? एक तो सीमांध्र राज्य, क्या सीमांध्र प्लस तेलंगाना राज्य, यह दोनों राज्य नागार्जुन सागर बांध के कारण यहां जो एक बढ़िया सा झील बनता है उनसे लाभान्वित होते हैं दोनों राज्य, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नर्मदा परियोजना, याद रखना नर्मदा रिवर पर दो परियोजनाएं है, एक है मध्य प्रदेश में और दूसरी है गुजरात में। जो मध्य प्रदेश में नर्मदा परियोजना है उनका नाम है इंदिरा सागर बांध, क्या? इंदिरा सागर बांध। और यह नर्मदा परियोजना से चार राज्य लाभान्वित होते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान। तो आपने याद रख लिया ना, रख लिया ना, अच्छी तरह रख लिया। ओके, मही परियोजना मही नदी गुजरात, मालप्रभा, मालप्रभा परियोजना मालप्रभा रिवर पर कर्नाटक राज्य में, नागार्जुन सागर, कृष्णा रिवर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना लाभान्वित राज्य, नर्मदा परियोजना दो गुजरात एवं मध्य प्रदेश, लेकिन यहां जो नर्मदा परियोजना है उनका नाम है इंदिरा सागर बांध, चार राज्य लाभान्वित गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान। चलिए नदी परियोजना और राज्य की सही जोड़ सुमिलित कीजिए, बढ़िया सा क्वेश्चन। नदी परियोजना और राज्य की सही जोड़ सुमिलित कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूं। चलो मही परियोजना मही नदी गुजरात राज्य, नागार्जुन सागर अर्जुन, अर्जुन किसके साथ जाएंगे? भगवान श्री कृष्ण के साथ, श्री कृष्ण। तो यहां कृष्णा रिवर का नाम है ही नहीं, तो नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, वेल डन। मालप्रभा परियोजना कर्नाटक और नर्मदा परियोजना मध्य प्रदेश, वेल डन, आपने बिल्कुल सही खेला। आप बन सकते हैं यूपीएससी, यूपीएससी क्लियर करने वाले मेंबर, लेकिन आपको अपना ध्यान विचलित नहीं करना है, लगातार 8 से 10 साल पढ़ना है। ओके, चलिए मालप्रभा परियोजना कहां है बताइए, मालप्रभा परियोजना कहां है? कर्नाटक राज्य में मालप्रभा परियोजना है। देखो यहां पर मैंने आपको बताया मालप्रभा परियोजना कर्नाटक राज्य में है, तो सही आंसर हो गया कर्नाटक। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर स्थित है और यह भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं में से अपना स्थान रखती है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य में कर्नाटक अपना स्थान रखता है, कर्नाटक राज्य, क्लियर। पारंबिकुलम परियोजना, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, पारंबिकुलम परियोजना लाभान्वित राज्य है तमिलनाडु एवं केरल, और यह अन्नामलाई पहाड़ी में परियोजना अवस्थित है, याद रखना पहाड़ियों के बीच एक परियोजना का निर्माण किया गया है पारंबिकुलम परियोजना, और दो राज्य लाभान्वित तमिलनाडु एवं केरल। पोचमपाद परियोजना, क्या? पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर कर्नाटक राज्य में। इनसे पहले दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में जब गोदावरी बहती है तो उन पर भी एक परियोजना का नाम आया, आपको याद है? इसी वीडियो में मैंने आपको बताया, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। पोचमपाद परियोजना कर्नाटक राज्य लाभान्वित, गोदावरी रिवर पर यह परियोजना आकार ले चुकी है। राजघाट बांध बेतवा रिवर पर
जम्मू कश्मीर में। दोस्तों बेतवा रिवर पर जम्मू कश्मीर में राजघाट बांध अवस्थित है। रामगंगा परियोजना चूसित नदी पर उत्तर प्रदेश में, याद रखना रामगंगा परियोजना चूसित नदी पर उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों रामगंगा, भगवान राम का मंदिर कहां बन रहा है? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। तो याद रखना रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है, कौन सी नदी पर? चूसित नदी पर। तो आपने याद रख लिया, पढ़ लो। पारंबिकुलम परियोजना अन्नामलाई पहाड़ी तमिलनाडु एवं केरल राज्य लाभान्वित। पोचमपाद परियोजना गोदावरी रिवर पर, बट कौन सा राज्य? कर्नाटक। राजघाट बांध बेतवा नदी जम्मू तथा कश्मीर। रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश चूसित नदी। चलिए बताइए पोचमपाद परियोजना निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है? पोचमपाद परियोजना निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह है गोदावरी नदी पर। कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में। मैंने आपको बताया कहां पर आपका ध्यान था, पोचमपाद परियोजना गोदावरी रिवर पर कर्नाटक राज्य में। तो सही आंसर बनता है गोदावरी रिवर। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है और इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में कर्नाटक अपना स्थान रखता है। आगे बात करें तो सलाल परियोजना, सलाल परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। सरदार सरोवर बांध स्टेच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार सरोवर बांध पर, साधु द्वीप पर। जब हमारे गुजरात में नर्मदा नदी, याद रखना गुजरात के नर्मदा नदी में यह सरदार सरोवर बांध, यहां पनबिजली परियोजना भी है। और चार राज्य लाभान्वित होते हैं, गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एवं राजस्थान। जब हमने नर्मदा नदी पर स्थित एक और परियोजना जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, उनसे भी चार राज्य लाभान्वित होते हैं और यह सरदार सरोवर से भी चार राज्य लाभान्वित होते हैं। तवा, दोस्तों इनसे पहले मैंने आपको कक्षा 7 की एनसीईआरटी की एक टेक्स्ट बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 पढ़ाई, जिसके लास्ट अध्याय में मैंने आपको तवा मत्स्य संघ के बारे में बताया था। ओके, तो यह तवा परियोजना तवा नदी पर कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में। और मध्य प्रदेश राज्य में ही यह तवा मत्स्य संघ ने एक मुहिम चलाई थी, बाद में अपने अधिकार प्राप्त किए थे। यह टिहरी बांध का नाम हाल ही में मैंने लिया। यह हमारे भारत देश का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, और यह उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर अवस्थित है। तो याद रख लिया, सलाल परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर, सरदार सरोवर गुजरात के नर्मदा रिवर पर, चार राज्य लाभान्वित गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एवं राजस्थान। तवा नदी मध्य प्रदेश राज्य, टिहरी बांध भागीरथी रिवर पर उत्तराखंड राज्य में। चलिए बताइए ए रहा टिहरी बांध। टिहरी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? यहां ओके, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी और बिलंगना नदी पर बनने वाला एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का पांचवा सर्वाधिक ऊंचा, अनुमानित ऊंचाई है 260.5 मीटर। कितनी? 260.5 मीटर इसकी हाइट है बांध की। ये देखिए टिहरी बांध। इस बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना तथा पन बिजली परियोजना का निर्माण करना। दोस्तों यह टिहरी बांध का मेन पर्पज, दो पर्पज है, एक तो यहां पर पानी भी स्टोर होगा और साथ पन बिजली भी उत्पन्न होगी। आगे बात करें तो थीन बांध है रावी नदी पर पंजाब राज्य में। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर लाभान्वित दो राज्य कर्नाटक एवं तेलंगाना। उक्काई परियोजना हमारे गुजरात में तापी नदी पर, ओके। और अपर कृष्णा परियोजना कर्नाटक के कृष्णा रिवर पर। तो चार बात आई, थीन बांध, रावी नदी, पंजाब राज्य लाभान्वित, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा रिवर पर, तेलंगाना और कर्नाटक दो राज्य लाभान्वित। उक्काई परियोजना हमारे गुजरात के तापी रिवर पर।
अपर कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य। ओके चलिए, ओके वेल डन, आपने बिल्कुल सही तरह से आपने दिमाग में बैठा लिया। चलिए थीन बांध कौन से राज्य में स्थित है, थीन बांध कौन से राज्य में स्थित है, यह है पंजाब राज्य में। वेल डन, वीडियो को खत्म करते हैं। और यह वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, और आपको अंदर से ऐसा फीलिंग हुआ है कि वाकई में जो कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत किया गया बढ़िया था, तो प्लीज लाइक करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आपके सामने हर रोज हाजिर हूंगा। ओके, टेक केयर एंड जय हिंद।